हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी में। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 3.4 क्लास 6 का क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4, कि हमें सारे ऐसे नंबर लिखने 100 से कम जो कि 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स हो। तो देखिए, सबसे पहले जो इसका अगर हम तरीके से जाए कि दो तरीके करने के, पहला तरीका क्या है कि सबसे पहले हम लिख लेंगे कि 3 के मल्टीपल्स कौन कौन हैं 100 से कम, मल्टीपल्स ऑफ 3 तो क्या क्या होंगे, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, ये चलता जाएगा कहाँ तक करना है हमें, लेस देन 100 तक। ये लंबा वाला मैथड है, इसका शॉर्ट भी बताएंगे अभी, एक ट्रिक है 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96 और 99। तो ये तो थ्री के मल्टीपल्स 100 से कम। अब हम देखेंगे फोर के मल्टीपल्स, क्या क्या होंगे, मल्टीपल्स ऑफ फोर, क्या क्या होंगे, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96 और 100। अब देखिए हम इन दोनों में से चुन लेंगे कौन कौन सा नंबर इनके पास है। जैसे 12 है, 24 है, फिर 36, फिर 48 है, फिर क्या है, 60, 72, 84, 84 और 96। ये वो कॉमन नंबर है जो कि 3 और 4 के टेबल में आते हैं, 100 से कम है, कॉमन मल्टीपल्स। क्या क्या मिला हमें, 12, 24, 36, 48, 60, 72 और 84 और 96। ये हमारा आंसर है। तो ये तरीका अगर आपको लॉन्ग लगता है तो इसका शॉर्ट मेथड क्या है कि 4 और 3 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा 4 और 3 का, सेकंड मेथड है। 4 और 3 का जो एलसीएम आएगा, एलसीएम ऑफ 4 एंड 3। अब 4 एंड 3 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 12। अब इसका मतलब क्या है कि हर 12 नंबर के बाद जो भी नंबर आएगा वो इन दोनों का कॉमन होगा। जैसे कि 12 के बाद अगर 12 ऐड कर देंगे 24, उससे पहले कोई नहीं होगा, वैसे ही इसमें 12 और ऐड कर देंगे 36। तो हमें कहाँ तक जाना, लेस देन 100 तक। तो सीधा ये हम ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। होप आपके क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपके क्वेश्चन समझ आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।